जिस वेले तरनदीप होरी ड्यूटी कर रहे थे ट्रक के जाके कितने जा रहे थे अगे किसी होर चौंकी पर, तो वह कोई उत्थे पिकनिक मना तो जा नहीं रहे, ड्यूटी कर रहे थे देश लिए, तो उन्होंने जी शहादत है उन्होंने भी असं शहीदी का दर्जा देना। अज पंजाब सरकार वालों 95 लाख तो 5 लाख आर्मी द्वारा 1 करोड़ रुपये की सन्मान राशि परिवार को भेंट की, वो कोई तरनदीप की असी जान नहीं वापस लेके आ सकते, वो तो कोई कीमत ही है नहीं, शहीद हमेशा अमर ही होंगे। तो उन्होंने जी सिस्टर है भैन है जी तरनदीप काफ़ी पढ़ी लिखी है, MSc की है, BEd की है, तो मैं डिप्टी कमिश्नर तो बाकी सारे उच्च अधिकारियों मैं हदायत की है कि उन्होंने कागजात लैके फॉर्मैलिटी शुरू करो, उन्होंने सरकारी नौकरी देवे। तो एक क्योंकि तरनदीप खुद फौज के भर्ती होया मैं दस्या गया उन्होंने पिता जी वालों के पिंड स्टेडियम नहीं है, मुंडे जोड़े ने जे कोई पुलिस या फौज वास्ते भर्ती तो सड़कों पर ही भजना पैंदा, तो पिंड तरनदीप शहीद तरनदीप के नाम से एक स्टेडियम बड़ी जल्दी उसारी की जाएगी। अज शहीद तरनदीप सिंह पिछले दिन ही लद्दाख वैली दे विच ड्यूटी दौरान एक एक्सीडेंट होया जिहदे च जवानों की भरी हुई भरया हुआ एक ट्रक जिहड़ा पलटिया, उस पंजाब के दो जवान शहीद होए जिन्हां च एक तरनदीप सिंह, सो अज उन्होंने अंतम अरदास उन्होंने श्रद्धांजलि देने लई अज बतौर मुख्यमंत्री बतौर सूबे दे मैं इत्थे पहुंचे हाँ। फर्ज बनता साडा कि साडे शहीदां दे परिवारां नूं संभालीए, क्योंकि अज तरनदीप सिंह सिर्फ सरदार केवल सिंह दा बेटा नहीं, अज वो पूरे देश दा बेटा है, सो जिहड़ियां कौमां अपने शहीदां नूं याद रखदियां ने उन्हां दे परिवारां दी देखभाल करदियां ने कौमां जिउंदियां रहिंदियां। सो पिछले दिन ही असीं एक पॉलिसी चेंज कीती सी कि इस तो पहला जिहड़ी आर्मी है वो इस तरह के एक्सीडेंटा दे विच जां कोई बर्फ का तूफान आ गया वो दब गए जां कोई होर कोई हादसा हो गया उन्होंने शहीद नहीं मनते, सिर्फ बैटल यानी कि जंगी शहीद मनते। सो असी क्या भी ये पॉलिसी दे विच असी पंजाब सरकार वालों पॉलिसी दे विच सोध की है कि जिस वेले तरनदीप होरी ड्यूटी कर रहे थे ट्रक दे विच जाके कितने जा रहे थे अगे किसी होर चौंकी पर, तो वो कोई उत्थे पिकनिक मना तो जा नहीं रहे, ड्यूटी कर रहे थे देश लिए, तो उन्होंने जी शहादत है उन्होंने भी असं शहीदी का दर्जा देना। अज पंजाब सरकार वालों 95 लाख तो 5 लाख आर्मी द्वारा 1 करोड़ रुपये की सन्मान राशि परिवार को भेंट की, वो कोई तरनदीप की असी जान नहीं वापस लेके आ सकते, वो तो कोई कीमत ही है नहीं, शहीद हमेशा अमर ही होंगे। सो पर यह है कि परिवार आर्थिक पक्षों बाद दिक्कत च ना आए, उनकी कबीलदारी चलती रहे, तो उन्होंने जी सिस्टर है भैन है जी तरनदीप की काफ़ी पढ़ी लिखी है, MSc की है, BEd की है, तो मैं डिप्टी कमिश्नर तो बाकी सारे उच्च अधिकारियों मैं हदायत की है कि उन्होंने कागजात लैके फॉर्मैलिटी शुरू करो, उन्होंने सरकारी नौकरी देवे। तो एक क्योंकि तरनदीप खुद फौज के भर्ती होया मैं दस्या गया उन्होंने पिता जी वालों के पिंड स्टेडियम नहीं है, मुंडे जोड़े ने जे कोई पुलिस या फौज वास्ते भर्ती तो सड़कों पर ही भजना पैंदा, तो पिंड तरनदीप शहीद तरनदीप के नाम से एक स्टेडियम बड़ी जल्दी उसारी की जाएगी, सिंथेटिक ट्रैक लावांगे ताकि आले दुआले पिंड तो भी आके बच्चे जोड़े ने वो इतने तैयारी कर सकन, चाहे वह खेडों की तैयारी करनी है चाहे किसी भर्ती की तैयारी करनी है, क्योंकि सड़कों पर जो भजते हैं तो रात बरात बहुत सारे हादसे भी होंगे ने। सो शहीद तरनदीप सिंह जी ने यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उन्होंने नाम से स्टेडियम बहुत वधिया बने, होर मुंडे जिहड़े ने वो देश लई जां खेडां दे विच अपने मुल्क का नाम रोशन करे। शहीदी समागम ते आए हां, अज आपां कोई राजनीतिक गल नहीं इत्थे करनी, हुण मैं दूसरा शहीद जिहड़े दूजे फरीदकोट जिले दा कोटकपुरे दे नेड़े मुंडा राजेश कुमार उन्हां दे घर भी जा रहा मैं, सो वो सेम जो साडी पॉलिसी सन्मान सर जो मैं जाके उत्थे पुछूंगा, पंचायत जो कह दूगी, कई पंचायत कहती है कि स्टेडियम है क्या बुत ला दो,
कितने सानू पंचायत कह दें कि लाइब्रेरी बना दौ कि कहें उन्हों के नाम से सड़क का नाम उन्होंने रख दौ। देखो शहीद जिहड़े देश लई सानू अपन जाना दे गए जिहड़े देश लई सानू जिहड़ा आप निश्चिंत रहन लई आप जिहड़े जाना वार गए उन्हां तों तां कोई भी चीज़ जिहड़ी है महंगी नहीं उन्हां दे नां ते कुछ भी बने उहदे वास्ते खजाना नहीं देखदे असीं। शहीदां लई चाहे वह आजादी तो पहलां वाले ने चाहे आज़ादी वाले ने चाहे कारगिल वाले ने चाहे आज़ादी संभालण च जिवें हुण शहादतां हो रही असीं हमेशा शहीदां दे परिवारां दे नाल खड़े। आम तौर पर की हुंदा भोग समागम ते बहुत सारे आ जांदे ने बाद चो परिवार रुलदे देखे असीं। सो असीं इस परिवार नूं भी इह ते नाल साडे प्रशासन नूं भी इही हदायत की है कि भविख दे विच भी इस परिवार नूं पिंड नूं कोई दफ्तर दे विच धक्के ना खाने पैण कोई खज्जल खुआरियां ना होण ताकि जिहड़ा जे शहीदां दे परिवार रुलणगे रुल जांदे ने तां फिर दूसरे नौजवान जिहड़े ने उन्हां दा फौज जाण दा फिर हौसला नहीं पैंदा कि यार कितें साडा साडे नाल भी इदां वाली ना होवे। जे उन्हां दे परिवारां नूं असीं संभालांगे उन्हां दे नां ते यादगारां बणनगियां तां दूसरे आने वाली पीढ़ी तो इस चीज़ का कहें कि असी भी देश की सेवा कर।